विश्वास करने वाला विश्वास करता है और विश्वास तोड़ने वाला विश्वास तोड़ता है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विश्वास करने वाला है ना वो गलत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाला तो निकल जाता है, लेकिन विश्वास करने वाला जिंदगी भर बैठ के रोता है कि उसने विश्वास किया, उसने विश्वास क्यों किया, उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने आप को पूरी तरह से झोंका और सामने वाले ने आपको वैल्यू नहीं की, बिलीव मी इट्स हिज लॉस, इट्स हिज और हर लॉस, ये उनका अपना पर्सनल लॉस है, उन्हें पता भी नहीं है, अभी एहसास भी नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये कुदरत, ये ईश्वर, यूनिवर्स उनको याद दिलाएगा कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उनके भाग्य में लिख दिया गया है। अगर आपने किसी बिना कसूर को सता दिया, आपने अपने नसीब में वो डेस्टिनी लिख लिया, आप आगे चल के उस चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आप लोग जो ये देख रहे हो जिन्होंने धोखा खाया है, मैं उनको बोलती हूँ आप मत सोचिए, ठीक है, आप मत सफ़र करिए, और ये भी इंतज़ार मत करिए कि ऐसा पर्सन कब सुधर के आपके पास आ जाए। मैं तो कहती हूँ कभी नहीं आना चाहिए। जिसने एक बार आपको किसी के लिए छोड़ दिया वो आगे भी आपको छोड़ सकता है। चोट खा के आया हुआ इंसान दिखाता है कि हाँ वो बहुत सुधर के आ गया है, बहुत ठीक हो के आ गया है, लेकिन बिलीव में इंसान की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में पलट के आ भी जाए ना, उसे कभी दोबारा मौका मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ प्रीशियस है। और ये जो प्यार आपने अपने अंदर पाल के रखा है ना, जो आप उसको दे रहे थे, ठीक है, उसे कहीं और बांटिए। और बहुत से ऐसे इंतज़ार में हैं, ह्यूमैनिटी, क्रिएचर्स, ठीक है, जीव जंतु सब, कुदरत आपके प्यार के